All right, much anticipated moment, right? Any guesses? Ladies and gentlemen, the employee of the year is Girish Chandra. कुछ कहना चाहोगे सर? मैं कुछ बोलना चाहता हूं. थैंक यू. हेलो एवरीवन, मुझे नहीं लगता कि गिरीश को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिलना चाहिए. मैं बताता हूं क्यों. शायद काफी लोगों को यह पता नहीं होगा, लेकिन गिरीश और मैंने एमबीए सेम ही कॉलेज से किया है, यूबीएस. सालों से एक दूसरे को जानते भी हैं, लेकिन पढ़ाई की बात आती तब अपना 36 का आंकड़ा था. टॉपर कौन बनेगा, वो बात अलग है कि दोनों साल टॉपर में ही बना. याद है गिरीश बेटे? पर मानना पड़ेगा, बंदे ने टफ फाइट दी. हमेशा बस कुछ नंबरों से ही रह जाता, लेकिन आज आखिर मुझसे आगे निकल ही गया. सच कहूं तो एक दिन तो इसे आगे निकलना ही था, पर इसके आगे निकलने की पीछे की जो कहानी है वो बस कुछ लोगों को ही पता है. कॉलेज ज्वाइन करके बस चंद दिन ही हुए थे कि अचानक गिरीश के पापा गुजर गए. फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में तो काफी टाइम बाकी था, लेकिन गिरीश के लिए तो इम्तिहान उसी दिन से शुरू हो गया था. रातों रात मां का लाडला मां को संभालने लगा. छोटी बहन पापा को मिस ना करे इसकी पूरी कोशिश की. अपने पिता को खोने का दर्द दिल में छुपाए अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां सर पर उठा ली. इसके अलावा एमबीए की पढ़ाई का प्रेशर भी था, पर हमेशा स्माइलिंग फेस. जेब में पैसे हो ना हो, कैंटीन में चाय पिलाने के लिए ऑलवेज रेडी. टी शर्ट पहन के आता था, कभी कभी बिंदास चप्पल पहनकर, लेकिन कॉन्फिडेंस पूछो मत. ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आए, पर इसने उन्हें डटकर फेस किया. ही एम्ड इवन हायर एंड वर्क इवन हार्डर. और तो और अपनी क्लास में कईयों की प्रोजेक्ट में हेल्प भी करता था, इंक्लूडिंग मेरी. कैन यू बिलीव दैट, जो इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन था. कैसा बंदा है रितु? हाँ, कुछ अलग ही मिट्टी का बना हुआ. अब आप लोग ही बताइए, क्या इसे सिर्फ बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलना चाहिए या फिर बेस्ट सन, बेस्ट ब्रदर और ऑफ कोर्स बेस्ट दोस्त का? नहीं, दिल जीत लिया रोहित बेटे. हमारे स्टूडेंट्स को जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना खूब आता है. कोई जीतता है तो कोई हार कर भी दिल जीत लेता है.